पूरन में आपको कैसा लगा? पूरन में हर जगह जाता हूँ, पूरनपुर में यहाँ की जनता ने मुझे अपना घर जैसा प्यार दिया है। तारीख कहने जाऊँगा, मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अभी मैं जा रहा हूँ दंगल देखने। कुछ दिनों से पूरनपुर में लगातार दंगल चल रहा है, 6 दिन से मैं तो गया नहीं, एंड आज फाइनल है, तो सोचा है कि आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगा। एंड सुना है काफ़ी दूर दूर से बहुत तगड़े तगड़े पहलवान आए हैं, एंड जितने नामी पहलवान है सब आए हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग, तो चलो चलते देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में भाई। अभी तो मैं एक्साइटेड हूँ फुल एकदम देखने के लिए। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर पर भाई अभी भीड़ दिखाते हैं आप लोगों को, भाई काफी ज्यादा भीड़ है, देखो लाडी बाबा, लाडी बाबा बाबा कुछ तैयार गए भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है देखो भाई, काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है, एंड मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ अभी देखने के लिए। अभी जा रहे हैं पाइप पे, सुनो बाबा जी अब चीट हो गया ना भाई, जानता चीट होगी नहीं हो गया ना भाई, यहाँ बहुत भीड़ है आज, फाइनल मैच है भाई, बहुत भीड़ है। चैलेंज दे रहे भाई पागल, वो चैलेंज दे रहे कम से कम फिर से लड़े, और 1000 रुपए का इनाम भी रख दिया भाई, खतरनाक वाला मैच होने वाला है भाई। ये भी एक मेला देखो, ये भी दंगल जीत के आए, किसके साथ जीता था ये देखो भाई, राष्ट्रीय एकता विशाल कुश्ती दंगल, पूरनपुर से। नाम क्या है तुम्हारा? अभिनव वर्मा। भाई दंगल में जीते भाई, बहुत बढ़िया यार। ओ पहलवानी, अगर अयोध्या होता ना 51 लाख कर देता है 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना? पूछ ले भाई, नहीं 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 कोई रुका दे 51 करोड़ का, फिर पूछ ले हमको फेरवा दूंगा भाई। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मैच हो रहा है, भी देखो भाई मजा आ जाएगा अभी देखने में। हेलो भाई, फुल पावर में आ गए हमारे बाबा जी, अब देखो फुल पावर एकदम भाई। संदीप खंडेवाल जी हमारे बीच में मौजूद है भाई, पहली बार तो जोड़ा, और दंगल की बहुत बड़ी कुश्ती भी होने जा रही दोस्तों। ये क्या बोला है, संदीप खंडेवाल का कहना है एक फौजी का सीमा से पैगाम आ जाए, क्या मालूम है देखो हटा दो, एक फौजी का तो सीमा से पैगाम आ जाए, जिंदगी की कहा ख्याल हो जाए मेरे दोस्तों, मैं तो ढूंढ रहे थे लोगों को कि मेरी जिंदगी बदल के काम आ जाए भाई। ताली बाबा जनता जोड़ता की हमारे महान समाज सेवी हमारे संदीप खंडेवाल, अगर बाबा तेरी माँ ने दूध पिलाया है ठीक है ना, मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, ये मेरा चेला से चक्कर में लड़ूंगा मैं तेरा अठुआ, और कुछ गंदा बोल दूंगा यादव, तेरी माँ ने दूध पिलाया, ये मेरा चेला है, बहुत अच्छे बहुत सुंदर बोल, चलिए 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 पागल बाबा जी का सम्मान करी, और बिल्ला पहलवान लाल की कुश्ती, कुश्ती का समय लगी है। तो भाई कुश्ती फाइनली स्टार्ट हो गया, अब देखते कौन जीतता है, एंड ये देखो भाई काफी खतरनाक मैच स्टार्ट हो गया। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतह, कर हर मैदान फतह, कर हर मैदान फतह रे बंदिया, हर मैदान फतह, हर मैदान फतह, हर मैदान फतह, हर मैदान फतह रे बंदिया, हर मैदान फतह। Thank you.
शमशीरों से ही हो। तो गाइस ये हमारे बाबा जी हैं और अभी बोलेंगे इनको जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। तो गाइस ये हमारे पागल बाबा हैं, अभी आप लोगों को जय श्री राम जी। पागल बाबा भाई ठाकुर ने पकड़ लिया यार, ठाकुर ने बुलाया तो आना तो पड़ेगा, मारा कम घर। और एक मैच स्टार्ट हो गया और देखो भाई बाबा का चला यहां पर देखिए देखिए लड़ाके टूटी शमशीरों से ही हो। गिराओ भाई गिराओ, 500 रुपए ले जाओ मेरे से। ये सभी फाइनल मुकाबला हो रहा है भाई, बन गया। ये जो घंटी बाबा जी की होगी भाई, ताली बोले सब तालियों से। जय श्री राम। ये भाई कितने हो गए समाप्त, हमारे पागल बाबा जीत गए विनर। पागल बाबा जी हमारे अजीतदास बाबा जी में हमारे खंडेवाल जी बहुत बढ़िया विनर। तो भाई बाबा के फैन बोलिंग देखो बहुत है। जीता हूं जीता हूं जीता हूं जीता हूं जीता हूं जीता हूं। भाई यहाँ पे हो रहा है बाबा जी के साथ डांस, और बच्चे देखो भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई देखो धूल धूल करते एकदम यार। तो भाई आओ अभी पहलवानों के साथ डांस करते हैं, अभी थोड़ा ने गाना बजाएंगे। बाबा के साथ जीत की खुशी का जश्न मना रहे हैं पांडे जी का। भाई पे भाई पे। तो भाई ये हमारे पागल आज के विनर है, तो इनसे पूछते हैं कि आपको जीत के कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, तो हमारे पूरन में आपको कैसा लगा। पूरन में हर जगह जाता हूँ, पूरनपुर में यहाँ की जनता ने मुझे अपना घर जैसा प्यार दिया है, और जब भी मैं हमेशा मुझे पता चलेगा पूरनपुर में दंगल में हमेशा आता रहूंगा। और मैं एक शायरी कहने जाऊंगा, मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, मैं तनहा नहीं चलता दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ हो नहीं सकता, जब भी मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।